तो आइसलैंड से शुरू होकर सूर्य ग्रहण अरब सागर में समाप्त होगा। दिल्ली और देश के ज्यादातर हिस्सों में यह शाम 4:30 बजे के करीब दिखाई देगा। हिंदू मान्यताओं के मुताबिक ग्रहण शुरू होने से 12 घंटे पहले ही सूतक काल शुरू हो चुका है। देश भर के प्रमुख मंदिरों के कपाट बंद कर दिए गए हैं। मंदिरों और गंगा किनारे श्रद्धालु भजन कीर्तन करने में लगे हुए हैं। आस्था की डुबकी लगाई जा रही है। लेकिन इस बीच 5 तस्वीरों से यह साफ हो रहा है कि कैसे देश भर में सूर्य ग्रहण का असर इस वक्त दिखाई दे रहा है। आंशिक सूर्य ग्रहण है ये, कुछ ही हिस्सों में भारत के ये दिखाई देगा। मंदिरों के कपाट और द्वार बंद कर दिए गए हैं। वहीं कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर में रुद्राभिषेक की प्रक्रिया इस वक्त चल रही है। हरिद्वार भी आपको लिए चलेंगे, वहां की भी तस्वीरें दिखाएंगे। वहां पर भी इस वक्त लोग पहुंच रहे हैं बड़ी संख्या में आस्था की डुबकी लगाने। लेकिन साधु संतों का भजन कीर्तन का कार्यक्रम और साथ ही ये वक्त ध्यान के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। तो आपको दिखा देते हैं कि देवताओं के द्वार बंद कर दिए गए हैं, क्योंकि अमृतसर में 4:19 से लेकर 5:48 तक सूर्य ग्रहण का असर दिखाई देगा। 4:26 से 5:36 पर ऋषिकेश में, वहीं 4:29 से 5:42 तक दिल्ली में, 4:31 से 5:49 तक जयपुर में, लखनऊ में 4:36 से लेकर 5:29 तक, वहीं पटना में 4:42 से 5:13 तक, भोपाल में 4:42 से 5:46 तक, कोलकाता में 4:52 से लेकर 5:03 तक, वहीं मुंबई में 4:49 से लेकर 6:09 तक आंशिक सूर्य ग्रहण का असर दिखाई देगा। अहमदाबाद में 4:38 से लेकर 6:06 तक। यानी कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो लगभग 1 से 1.5 घंटे या 1 घंटा 45 मिनट तक इस सूर्य ग्रहण का असर देश के विभिन्न हिस्सों में देखा जा सकता है। मुख्य जगहों की टाइमिंग हमने आपको दिखा दी है। यहां पर आप सूर्य ग्रहण देखने से और बाहर निकलने से बचें, परहेज करें, क्योंकि इस साल का आखिरी सूर्य ग्रहण है। ज्योतिषाचार्य हमारे साथ जुड़ेंगे, बताएंगे इस सूर्य ग्रहण का प्रभाव, साथ ही वैज्ञानिक नजरिए से भी हम इस सूर्य ग्रहण को समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस बीच मैप के जरिए समझिए कि कैसे ये चरम पर किस वक्त रहेगा और उसके बाद खत्म कब हो जाएगा। 6:32 पर इसके खत्म होने का समय है अरब सागर में।